नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो से मैं कैंडलस्टिक्स की एनालिसिस में बात करूंगा और कैंडलस्टिक्स की बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी मैंने कुछ मतलब सीखा है वो आपको हर एक वीडियोस में मिलेंगे। तो बने रहे मेरे चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास थोड़ी सी बेसिक में है कि बॉडीज कैसे बनते हैं, अपर शैडो कैसे बनते हैं, लोअर शैडो कैसे बनते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्मॉल बॉडीज क्या होते हैं, टॉल कैंडल्स क्या होते हैं और स्मॉल कैंडल्स क्या होते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे वीडियोस में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बॉडी कैंडलस्टिक्स का जो बॉडी बनता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग से बनते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे ओपन किया, अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करते हैं, जो इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, जो इसका ओपन प्राइस, ये इसका बॉडी बनेंगे, ये इसका बॉडी बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्लोज लगाया और यहाँ पे ओपन लगाया, तो इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है डेफिनेटली। तो ये एक बुल कैंडल है, मतलब एक बुल कैंडल है। ओके, जैसे अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया है और ऊपर गया है और यहाँ पे जाके बंद किया है तो ये एक बुलिश कैंडल है। इसलिए इसका कलर आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे आप व्हाइट कैंडल बता सकते हो, इसको ग्रीन कैंडल बता सकते हो, मैं जैसे नॉमिनली ब्लू कैंडल बना के रखता हूँ, इसको कलरिंग आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब ये एक पॉजिटिव कैंडल है। तो अगर ये ओपन नीचे से करता है, ऊपर जाके क्लोज करता है तो एक पॉजिटिव कैंडल है, और ऐसे ऊपर जाके क्लोज अगर होता है तो ये पॉजिटिव क्यों बनते हैं? पॉजिटिव इसलिए बनते हैं क्योंकि मान लीजिए इससे पहले जो कैंडल बने और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले जो कैंडल लास्ट डे का कैंडल बने, मतलब पिछले दिन का जो कैंडल बने, उसका जो ये क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज करता है, इस प्राइस के ऊपर अगर आज का प्राइस क्लोज करता है तो ही आप इसको ग्रीन कैंडल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाइव चार्ट से दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ऊपर जाके क्लोज हुआ है, नीचे से ऊपर गया है, इसलिए यहाँ पे क्लोज किया है इसने बॉडी का। तो इसके ऊपर अगर अगले दिन क्लोज होता है, इस क्लोजिंग के ऊपर अगर अगले दिन क्लोज होता है तो ये एक पॉजिटिव बॉडी बनेगा, एक पॉजिटिव कैंडल बनेगा। ओके, सो फिर से हम लोग देखते हैं, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे जाके प्रीवियस डे का क्लोज बने हैं, ये कैंडल है, यहाँ पे ओपन है, ये भी बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर अगर प्रीवियस अगले दिन क्लोज हुआ है तो ये एक बुलिश बॉडी है। ओके, ये एक बुलिश बॉडी है। और इसके साथ साथ और दो चीज मिल जाते हैं, सिर्फ ओपन और क्लोज से तो नहीं बनते, इसके साथ हाई भी होते हैं और लो भी होते हैं। कहीं पे भी तो उस दिन का हाई होगा और कहीं तो स्टॉक ने लो लगाया है जहां से वो ऊपर चले गए हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जहां पे इसका हाई बनेगा और जहां पे इसका लो बनेगा वो उसकी शैडो बन जाता है, वो उसकी शैडो बन जाता है। ओके, या तो टेल बन जाता है, या तो आप इसको टेल कह सकते हो, पूंछ कह सकते हो, या तो इसको शैडो कह सकते हो। तो जहां पे नीचे अगर ऐसे टेल बनते हैं तो इसका लो बताया जाएगा, अगर ये ऊपर ऐसे शैडो बनते हैं तो इसका हाई बताया जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली देख पा रहे हो कि इसका अपर शैडो, जो ऊपर का शैडो होगा उसको हम लोग अपर शैडो कहते हैं, जिसका नाम हाई है, जो इसका नीचे का शैडो होगा जिसको हम लोग लो कहते हैं, इसका नाम है लोअर शैडो। ओके, तो वैसे ही उल्टा चीज देखिए कि बॉडी कैसे रेड बनती है। रेट तभी बनेगा अगर प्रीवियस क्लोज, अगर प्रीवियस डे का क्लोज मान लीजिए, अगर प्रीवियस डे का क्लोज मान लीजिए यहां पे हुआ, मान लीजिए ओपन है और यहां पे क्लोज किया, मगर अगले दिन इस स्टॉक ने यहां पे क्लोज किया, यहां पे क्लोज किया, मतलब प्रीवियस क्लोज के नीचे अगर क्लोज होता है तो एक रेड बॉडी है। ओके, ये एक रेड बॉडी है, या तो प्रीवियस क्लोज से अगर नीचे चलना चालू कर देगा तब ये एक रेड बॉडी के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि वो प्रीवियस क्लोज से नीचे चल रहा है। वैसे ही
उल्टा आप सोचो, अगर प्रीवियस क्लोज से वो स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो एक ग्रीन बॉडी बनेगा, अगर प्रीवियस क्लोज से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है प्रीवियस डे के क्लोज से, तो ये तब तक ग्रीन बॉडी रहेगा जब तक ये प्रीवियस क्लोज के नीचे ना चले आए। जैसे ही वो प्रीवियस क्लोज के नीचे चले आएगा तब ये रेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कैसे रेड बॉडी हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डेज का क्लोज यहाँ पे हुआ था, क्योंकि ये ऊपर नीचे से ऊपर गया था, इसलिए ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे है और अगले दिन ये नीचे चलने लगे। देखिए ऊपर नहीं चल रहा है, ओपन यहाँ पे हुआ है। देखिए एक चीज देखिए, रेड बॉडी का ओपन उल्टा हो जाता है, रेड बॉडी में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। सो यहाँ पे भी आप कैंडल में देख सकते हो, ये ऊपर से खुले और नीचे जा रहा है, तो नीचे जाके जैसे इसने जैसे ही प्रीवियस डे के क्लोजिंग से नीचे जाना चालू करेगा, वो उसी समय से रेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर जैसे उसका क्लोज होगा, जिस जगह पे उसका क्लोज होगा उसके हिसाब से उसका बॉडी बनेगा। सो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि ओपन माइनस क्लोज जो रेंज है वो उसका बॉडी है, और ऊपर का जो टेल है और नीचे का टेल है वो अपर शैडो और लोअर शैडो है। नीचे का अगर टेल रहेगा वो लो है, ऊपर का अगर टेल रहेगा वो हाई है। तो ये था थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब उसके रिलेटिवली और एक वीडियो आ जाता है, अब टॉल कैंडल्स और स्मॉल कैंडल्स ये क्या होता है। देखिए टॉल कैंडल्स थोड़ी सी रिलेटिवली बहुत अच्छी बड़ी कैंडल्स होते हैं, और स्मॉल बॉडीज स्मॉल कैंडल्स ऐसे होते हैं। तो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट कैंडल्स का जो डिफरेंस है ऐसे बनते हैं। वो कैसे आप इस मार्केट में उस चार्ट को आप कैसे देखोगे, तो आप थोड़ी सी छोटा करना, छोटा करके आप देखने की कोशिश करना कि यहाँ पे जितने भी बॉडीज बन रहे हैं उसमें से रिलेटिवली कौन सा बॉडीज टॉल कैंडल्स है और कौन से बॉडीज स्मॉल कैंडल्स है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये सब लॉन्ग कैंडल्स है या तो टॉल कैंडल्स है, ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल कैंडल्स है, ये स्मॉल कैंडल्स है, ये सब स्मॉल कैंडल, इसकी रिलेटिवली ये स्मॉल है तो ये स्मॉल कैंडल्स है। देखिए ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कौन सी स्मॉल कैंडल्स है। जैसे यहाँ पे एक टॉल कैंडल्स है, यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल्स है, ये उसकी रिलेटिवली और भी स्मॉल कैंडल्स है, इसके रिलेटिवली आप देख सकते हो ये थोड़ी सी टॉल कैंडल्स है। उसके बाद ये जो जितने भी इमेज टॉल कैंडल्स बन रहे हैं वो इसके रिलेटिवली तो सेम है, मगर इसके रिलेटिवली थोड़ी सी टॉल कैंडल्स है। तो आप ऐसे साइज ऑफ द कैंडल्स आप मेजर कर सकते हो। तो इस कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स में मैं बॉडीज तो मैटर करते ही हैं, उसके साथ साथ बॉडी का साइज क्या है वो भी मैटर करता है कैंडलस्टिक्स एनालिसिस में, कि वो स्टॉक का जो बॉडी बन रहा है वो उसके लास्ट 20 डेज या 25 डेज के को अगर एवरेजली जो बॉडी बन रहा है उसके हिसाब से कैसे बन रहे हैं, नॉमिनली बन रहे हैं या तब थोड़ी सी बड़ा बन रहा है या थोड़ी सी छोटे बन रहे हैं, वो आपको देखना जरूरी है। अगर इतने इमेजेस में जितने भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप देख सकते हो कि बहुत टॉल बॉडीज ज्यादा नहीं बनते हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो टॉल बॉडीज की मतलब लाइन लग गई है, फिर देखिए स्मॉल बॉडीज हुआ, उसके बाद फिर टॉल बॉडी होना चालू किया, फिर स्मॉल बॉडीज, फिर टॉल बॉडीज होने चालू करते हैं। तो अब मैं टॉल बॉडीज तो समझ में आ गया कि जिस दिन टॉल बॉडीज बनेंगे तो उसके हिसाब से टॉल बॉडीज अगर बनते हैं तो अगर वो ग्रीन होता है तो इसमें बुल एक्टिव है, मतलब जो बायर्स है वो एक्टिव है, वो खरीदने में मजे ले रहे हैं, मतलब खरीदने में इच्छुक है और यहाँ पे डिमांड अच्छी है, इसलिए वो इतनी अच्छी तरीके से बुल कंट्रोल कर रहा है और इसलिए वो इतना बड़ा टॉल कैंडल्स हो रहे हैं। अगर रेड कैंडल्स इतना टॉल है तो रेड कैंडल मतलब बियर्स जो लोग सेल कर रहे हैं वो ज्यादा एक्टिव है सेलर बायर्स से, इसलिए वो इतना बड़ा मतलब बियर कंट्रोल कर रहा है इस कैंडल को, उस दिन के लिए बियर ज्यादा हावी है बुल से, मतलब बायर्स से सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो टॉल रेड बॉडी बन रहे हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हो जो जो यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स बन रहे हैं, स्मॉल कैंडल्स की दो रिलेटिवली चीज होती है, स्मॉल कैंडल्स तभी बनते हैं अगर वो एक ही जगह पे बन रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर फॉलो करो या तो यहाँ पे फॉलो करो, एक ही जगह पे स्मॉल कैंडल्स बनते जा रहे हैं, इसका मतलब वो मार्केट में कोई दिशा नहीं है, वो चौपी है, वहां पे बायर्स और सेलर्स में कोई ठीक नहीं है कि क्या करने जा रहा है, किसी का जोर नहीं लग रहा है, दोनों तरफ से
प्रेशर बन रही है, इसलिए वो कैंडल छोटी हो रही है और उस दिन मार्केट सपाट रह रहा है, या तो वो स्टॉक सपाट रह रहा है। अगर वो एक साइड में होने लगते हैं ऐसे कंसेक्यूटिवली 10-12 कैंडल्स, स्मॉल कैंडल्स अगर एक साइड में, तो हम लोग उसको चौपी कहते हैं। अगर वो स्टॉक में आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड जाते जाते, देखिए यहाँ पे रिलेटिवली एक अच्छी अच्छी बॉडी बनते रहते, धीरे धीरे इसका छोटे छोटे कैंडल्स बनते चालू किया, अगर ऐसे आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में दिखते हैं, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जैसे कंसेक्यूटिवली टॉल कैंडल्स के बाद अब 3 से 4 छोटे कैंडल्स बनने लग रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज की मतलब होती है, या तो वो एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब जो ट्रेंड यहाँ से चलने चालू किए थे वो अभी थोड़ी सी थक रहा है, या तो रेस्ट ले रहा है, या तो रेस्ट ले रहा है या तो थक रहा है। तो वैसे ही जैसे ही अगर नीचे चलने लग रहे हैं तो ये इसका बियरिश मोमेंटम है, मतलब सेलर ज्यादा एक्टिव है, बायर्स है ज्यादा स्ट्रांग है, बायर्स है सेलर, तो उसके टाइम अब ऐसे छोटे छोटे कंसेक्यूटिवली एक साइड में अगर आपको कैंडल्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब या तो थक रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब कंसेक्यूटिवली एक ही जगह पे 2-3-4 स्मॉल बॉडीज बनते जाते हैं, स्मॉल कैंडल्स बनते जाते हैं, इसका मतलब उस टाइम थोड़ी सी मार्केट चौपी है, उसमें कोई डिसीजन नहीं है बायर्स और सेलर्स में, उसमें कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एक ही जगह पे चलते जा रहा है। उसके बाद फिर से टॉल कैंडल्स आया, मतलब फिर से कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे डिसीजन आ चुका है कि सेलर ही बायर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो कैंडल्स मतलब वो प्राइस नीचे जाते हैं। तो कैंडलस्टिक्स, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक्स एक साइकोलॉजी है, एक ऐसी टूल्स है जिस टूल से आप थोड़ी सी मार्केट की साइकोलॉजी को सबसे पहले समझ सकते हो। ये कोई ऐसा मतलब इंडिकेटर नहीं है कि जो आप देखते ही इसको सेल कर दो या बाय कर दो, ये आपको पहले से मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो समझाने के लिए कोशिश करता है। तो ये था थोड़ी सी स्मॉल बॉडीज एंड टॉल बॉडीज के अंदर, मतलब टॉल कैंडल्स और स्मॉल कैंडल्स में क्या अंतर होते हैं, वो इस वीडियो में मैंने चर्चा किया, कैसे इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक्स को देखते हैं वो हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।